तो आंगनबाड़ी सेविकाएं भी अब बीमा का लाभ ले पाएंगी। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं कोरोना योद्धा की तरह कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं, डोर टू डोर जाकर संक्रमण को पहचानने की कोशिश कर रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही हैं लोगों का। उनको सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है और उनके लिए सरकार भी सोच रही है। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग ने अपनी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी मांग कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने मांग की है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, जो कोरोना योद्धा बनी हुई हैं, उनको 50 लाख का बीमा का लाभ दिया जाए। जिस तरह से डॉक्टरों का बीमा होता है, उसी तरह से इन आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी 50 लाख का बीमा होना चाहिए। तो समाज कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया है। अब इंतजार केवल मुख्यमंत्री के तरफ से हरी झंडी मिलने का है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंगनबाड़ी सेविकाओं के काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने जिस तरह से डोर टू डोर जाकर 4 करोड़ से ज़्यादा घरों में जाकर स्क्रीनिंग किया है, उससे भी सरकार बहुत खुश है। और लगातार ये स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। संक्रमण के खतरे के बीच ये आंगनबाड़ी सेविकाएं कोरोना योद्धा बनकर घर घर जा रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य का जानकारी ले रही हैं और उनके संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो उनको कुछ अगर हो जाए तो उनके परिजन रोड पर ना आए, रोटी के लिए मोहताज न बन जाए, इसलिए समाज कल्याण विभाग ने ये प्रस्ताव भेजा है स्वास्थ्य विभाग के पास। और उम्मीद है कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द ही मुहर लगा देंगे। तो मानकर चलिए कि जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं हैं, सहायिका महिला पर्यवेक्षिका हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, उनको COVID-19 के तहत बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि कोरोना के संकट के बीच ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी चिंता भी सरकार कर रही है। और आपको पता ही है कि कोरोना का संक्रमण बिहार में किस रफ्तार से बढ़ रहा है और लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है, ढील भी दी गई है, उसकी वजह से भी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो सावधानी बरतिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग कोरोना के संक्रमण से लड़ने में जी जान से जुटे हुए हैं, उनकी चिंता सरकार भी कर रही है, उनकी चिंता हम आप भी कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।